भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी आज दिल्ली से मुरादाबाद के लिए निकले हैं। बीजेपी जिलाध्यक्ष गाजियाबाद सोलत पाशा ने दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ रास्ते में पड़ने वाले हाईवे पर डासना चौकी के पास राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी को फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया है। जमाल सिद्दीकी ने जिलाध्यक्ष और कार्यकर्ताओं को नवीन कृषि कानूनों की खूबियों से अवगत कराया। जमाल सिद्दीकी हर जिले में जाकर जिलाध्यक्षों और लोगों से मिलकर सरकार द्वारा जारी किए गए कृषि कानूनों के बारे में बताएंगे और पार्टियों की नीतियों से भी अवगत कराएंगे। ये जो किसानों के उपयोग के लिए यहाँ पर बैठे हैं, ये वार्ता करने नहीं चाहते। इनका मकसद सिर्फ अफरा तफरी फैलाना है, इनका मकसद देश में दंगे करवाना है, इनका मकसद किसान मुसलमान नौजवान सबको भड़काना है। मोदी जी के ऊपर एक दाग नहीं लगा सके, ये बेदाग मोदी जी को बदनाम करने की साजिश है, जनता सब समझ रही है। गौरतलब है कि पिछले 20 दिनों से किसान लगातार कृषि बिल के कानूनों को लेकर के धरने पर बैठे हुए हैं और उनका कहना है कि सरकार जब तक कृषि कानूनों को वापस नहीं ले लेती है तब तक वो धरने पर विराजमान रहेंगे। ऐसे में अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी का अलग अलग जिलों में जाना और वहां के जिलाध्यक्षों से बातचीत करके कृषि कानून के बारे में लोगों को अवगत कराना उनके महत्वपूर्ण कार्यों का हिस्सा है। देखना यह है कि क्या उनके इस पूरे कार्यक्रम से कोई इफेक्ट आ पाता है किसानों पर या फिर पूर्ववत की भांति इसी तरह से आंदोलन चलता रहेगा। ई रेडियो इंडिया के लिए गाजियाबाद से फैज अली सैफी की रिपोर्ट।